हाई गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माई नेम इज़ कशिश सिंधवानी एंड आई हैव रिसेंटली ज्वाइंट एम डी फार्माकोलॉजी एज़ पी जी रेजिडेंट सो टुडेज़ टॉपिक ऑफ़ डिस्कशन इज़ रूट ऑफ़ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता कर लेते हैं कि जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ने वाले हैं तो ड्रग क्या होता है तभी तो हम उसके बारे में रूट्स पता करेंगे कि क्या क्या रूट्स हैं हम उसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते तो बेसिक क्या है कि ड्रग कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम इस इंटेंशन से देते हैं ताकि वो हमारी बॉडी में पैथोलॉजिकल एज वेल एज़ फिजोलॉजिकल बेनिफिट दे सके अब इसको ऐसे समझो कि हम ये नहीं कहते कि दवाई सिर्फ जब हम बीमार होते हैं या कोई डिजीज़ होता है हमें सिर्फ तब नहीं लेनी होती दवाई हम तब भी ले सकते हैं जब हमार को कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो या फिजियोलॉजिकल फंक्शन को डिले करना हो जैसे इसको एग्जांपल ऐसे ले लो कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं तो उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है उनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि प्रेगनेंसी को डिले करना या प्रेगनेंसी को रोकना तो प्रेगनेंसी कोई डिजीज़ थोड़ी ना है प्रेगनेंसी इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बट अभी हम उस समय उस प्रोसेस को नहीं चाहते तो हम उसे डिले कर रहे हैं या फिर हम उसे रोक रहे हैं तो जो भी ऐसे सब्सटैंसेज हैं जो इसमें यूज़ हो रहे हैं उसको बोलते हैं ड्रग्स राइट अब जब हमने ड्रग की डेफिनेशन समझ ली तो अब ये इम्पॉर्टेंट है कि रूट ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ड्रग का तो रूट ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब कि हमने किस तरीके से ड्रग को दिया है हमारी बॉडी में वो हम कैसे भी ले सकते हैं च्यू करके टेबलेट्स की फॉर्म में ले सकते हैं रेक्टल रूट से ले सकते हैं इंजेक्शन लगवा सकते हैं राइट तो वो जो सारे रूट होते हैं कि जिससे एक ड्रग या कोई ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के कंटेक्ट के अंदर आ जाए या हमारे ब्लड के अंदर पहुँच जाए तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं रूट ऑफ़ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्या क्या चीज़ें होंगी कि कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम इसको तीन बेसिक कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं कि एक तो हम ड्रग देने वाले हैं एक पेशेंट लेने वाला है और किसी डिजीज़ या किसी ऐसा फिजियोलॉजिकल फंक्शन की वजह से लेगा तो तीनों के कुछ कुछ फैक्टर्स इन्वाल्ड होंगे राइट तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं ड्रग के फैक्टर्स कौन से हैं ऐसे समझो कि इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मतलब सबसे पहले नेचर ऑफ़ ड्रग नेचर ऑफ़ ड्रग का क्या मतलब जैसे हमने कोई ड्रग लिया वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा या हमारी बॉडी उसे क्ट कर देगी तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि ड्रग का नेचर कैसा है बेसिक बात मतलब कि ड्रग एसिडिक है या बेसिक है अब ड्रग के अंदर भी प्रॉपर्टी होती है ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी एसिडिक मीडियम होता है और बेसिक मीडियम होता है जैसे कि एसिडिक मीडियम होता है हमारी बॉडी के अंदर स्टमक uh, के अंदर राइट right? तो जैसे ही गैस्ट्रिक एसिड होता है जो एच होता है उसके पास क्या है कि वो एसिडिक मीडियम बना देता है अब वो जो एसिडिक मीडियम बना देता है तो उसके अंदर कोई एसिडिक ड्रग आएगा तो उसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होएगी जबकि अगर कोई उल्टा ड्रग आ गया मतलब तुम ऐसे समझो जो एस्पिरिन होता है एग्जाम्पल तो जो एस्पिरिन होता है वो एक एसिडिक ड्रग है और जब एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम के अंदर जाता है तो वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है जबकि अगर हम ये बोलें कि जो मॉर्फिन है तो मॉर्फिन एक बेसिक ड्रग है तो बेसिक ड्रग है तो इसलिए उसका कम एब्ज़ॉप्शन होगा क्योंकि वो एसिडिक मीडियम के अंदर गया है राइट अच्छा अब एक और चीज़ समझ लेते हैं कि एब्जॉर्पन से हम कहना क्या चाह रहे हैं सिंपल बिल्कुल सिंपल लेके चलेंगे चीज़ों को अच्छा अब हमने अभी तक ये पढ़ा कि हम एब्जॉर्ब करा रहे हैं एसिडिक मीडियम के अंदर बेसिक मीडियम के अंदर पर बेसिक मतलब क्या है एब्जॉर्ब्शन का एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है कि कोई भी ड्रग की मूवमेंट फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड जैसे ऐसे समझो कि मान लो ये एक हमारा स्टमक बना हुआ है राइट अगर ये हमारा स्टमक है और यहाँ पर ये हमारा ब्लड वेसल है तो हमको अगर कोई ड्रग देना है तो मैं माउथ के थ्रू दूंगी और वो आके स्टमक में जाएगा और स्टमक से आके अगर वो ब्लड के अंदर चला जाता है तो इसका मतलब वो एब्जॉर्ब हो गया राइट तो डायग्रामेटिकली ये बहुत सिंपल साउंड कर रहा है बट यहां पर ये यह कुछ भी तो होंगी ना अगर एक ड्रग इन को क्रॉस कर पाएगा तभी वो सोल्यूबल होगा ठीक है तो तभी उसमें ज़्यादा लिपिड सोल्यूबिलिटी होगी तो कोई भी ड्रग जो जितना ज़्यादा को क्रॉस कर पाता है उसको बोलते हैं हम वो उतना ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल है अब हमने यही बात बोली कि मान लो मैंने यहाँ से एस्पिरिन दिया था अब वो जो एस्पिरिन है यहाँ पर हमारे पास एच होता है राइट सबको पता है सबने बेसिक पढ़ रखे हैं नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ से राइट तो तब भी हमको पता था कि जो स्टमक के अंदर क्या होता है एसिडिक कंटेंट होता है एच की वजह से तो

मेंटल सी बात ये सारी चीजें जरूर आएंगी कि कुछ ड्रग्स किसी मीडियम में एब्जॉर्ब होते हैं कुछ ड्रग्स किसी मीडियम में एब्जॉर्ब होते हैं बट जो जहां पर जोन सी दवाई ज्यादा लंबे टाइम के लिए स्टे करेगी वहां वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी राइट अगर कोई चीज ज्यादा देर के लिए पेट में रहती है तो उतनी ज्यादा वो यहां से क्रॉस कर सकती है राइट अगर मैं ये बोलती हूं जब इंटेस्टीन के अंदर पहुंच जाता है तो हमें इतना पता होना चाहिए जो स्टमक होता है उसका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम आधा घंटा होता है उससे नहीं मतलब तुमने कितना भी ड्रग दे दिया उसके पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम है यहाँ से वो जितना मर्जी ले जाए अब वो दस परसेंट लेके जा सकता है बीस परसेंट लेके जा सकता है उसकी सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा राइट अगर इसके अलावा अगर हम यहाँ पर जब इंटस्टीन होता है इंटस्टीन के पास दो चीज़ें बेनिफिट की हैं एक तो इंटस्टीन के पास बहुत ज़्यादा टाइम तक कोई भी ड्रग रह सकता है फॉर मैनी आवर्स फ्यू आवर्स टू मैनी आवर्स दस दस बारह बारह घंटे तक कोई भी ड्रग रहता है तो उतना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और साथ में जो स्टमक होता है वो बहुत छोटा सा होता है तो उसका सरफेस एरिया भी तो कम हुआ ना जबकि जो intestines होते हैं उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए उसको ज़्यादा टाइम भी मिल जाता है और ज़्यादा सरफेस एरिया भी है तो इसलिए जो मैक्सिम ड्रग्स हैं जो भी तुम फार्मा में पढ़ने वाले हो उनका अच्छा एब्जॉर्बशन कहाँ पर होगा इंटस्टीन में होगा ठीक है फिर वो इंटस्टीन के बाद वो लिवर में जाएंगे या फिर वो कहाँ कहाँ जाएंगे या फिर वो उनका कैसे मेटाबॉलिज्म होगा ये हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे बट फंडामेंटल चीजें याद रखो तो आई होप सो इतना तुम्हें समझ में आ गया ठीक है अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने पीपीटी के अंदर कौन से एग्जाम्पल्स लिए हैं जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया नेचर ऑफ ड्रग के अंदर इंसुलिन वेसोप्रेसिन का अब ये दोनों क्या है ये दोनों पेप्टाइड्स होते हैं पेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन्स बेसिक मतलब ठीक है तो जो ये प्रोटोलिटिक एन्जाइम्स होती हैं स्टमक के अंदर वो उनको लाइस कर देती हैं ख़त्म कर देती हैं इसलिए जो यहाँ पर ये वाले जो ऐसे ड्रग्स होते हैं इंसुलिन या वेसोप्रेसिन ये एक्ट नहीं कर पाते राइट तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से रूट से ड्रग दें ताकि हमें वो ड्रग बेनिफिट कर सके अगर हमने दिया और वो हमारी बॉडी में पहुंचा ही नहीं ब्लड सर्कुलेशन में ही नहीं पहुंचा, पहले ही एक्सक्रीट हो गया या वहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर आ गया या कुछ भी चीज़ें हुई तो उससे नुकसान किसका है कि तुम डोज ज़्यादा देते जाओगे और इफ़ेक्ट कम आता जाएगा तो हमें इस चीज़ों की समझ होनी चाहिए तभी हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं राइट तो अब चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे अगली प्रॉपर्टी होती है एबजॉप्शन कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं ओरली और कुछ नहीं हो पाते राइट ये इसका एग्जाम्पल ले लो स्ट्रेप्टोमाइसिन थर्ड प्रॉपर्टी क्या है टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी का क्या मतलब अगर कुछ ड्रग्स तुमने औरली या टॉपिकली लगा दिए तो वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी जाननी होती है कि जो नियोमाइसिन है ये कहाँ पर टॉक्सिक है हम इतने सारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं हम कभी कभी कहते हैं ये ऑटो टॉक्सिक होता है तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें साथ साथ याद रखनी होती हैं एक और चीज़ जो ड्रग देने टाइम याद रखनी है कि रिस्क इज़ टू बेनिफिट रेशो वो मैंने इस पीपीटी में लिखा नहीं है बट उसको बेसिक बात समझो अच्छा यहाँ पर एक बार हम ऐसे रफ सा समझ लेते हैं कि ड्रग रिस्क इज़ टू बेनिफिट रेशियो अब रिस्क इज टू बेनिफिट रेशियो क्या होता है कि हमने कोई ड्रग दिया तो हमने उसको देने के बाद कुछ रिस्क भी मिलेगा हमें कुछ रिस्क किस फॉर्म में मिलता है जो हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं या एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं या उस ड्रग की वजह से जो बॉडी के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे बट हमको उस, उस ड्रग को देने की वजह से कुछ बेनिफिट भी मिल रहा है अब वो जो बेनिफिट है वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको काउंटर कर सके तो हमें हमेशा एक ड्रग को देते टाइम ये याद रखना है कि उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हों और उसके अंदर उसका रिस्क प्रोफाइल कम हो तब वो सूटेबल ड्रग है हमारी बॉडी में जाने के लिए या हमको किसी को देने के लिए अब दोबारा से चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है बायो अवेलेबिलिटी अच्छा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इसको मतलब समझ लेना यहीं पर समझ लो थोड़ा सा टफ़ लग सकता है बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना दोबारा अब हमने क्या समझा कि कोई भी ड्रग हम देते हैं तो वो पहले स्टमक के अंदर आएगा और फिर वो कहीं और आगे जाएगा ठीक है अब मैं यहाँ पर एक लिवर भी बनाने वाली हूँ अब यहाँ क्या होगा सपोज मतलब एक एग्जाम्पल लेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली exactly ये कोई भी रेशो नहीं होगी सिर्फ एक एग्जाम्पल होगा मान लो मैंने यहाँ से हंड्रेड मॉलिक्यूल्स एक ड्रग के दिए अगर मैंने वो हंड्रेड मॉलिक्यूल्स एक ड्रग के दे दिए हैं और उसको फिर वो स्टमक में से पास होंगे और अभी हमने क्या कहा जब वो स्टमक में से पास हो रहे होंगे तो वो जो कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो लिवर क्या करता है कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग को ले लेता है अब उसके अलावा जो कुछ ऐसा पार्ट होता है एक ड्रग को तुमने जब लिया तो पूरा का पूरा ड्रग एब्ज़ॉर्ब नहीं होता इट इज़ नेवर कि तुम हंड्रेड किसी ड्रग को दे रहे हो और वो हंड्रेड परसेंट एब्जॉर्ब हो गया तो अगर तुमने ओरली एक ड्रग को दिया है तो वो सपोज़ हम ये करते हैं हैं कि जो 20% परसेंट ऑफ द ड्रग है वो फीसिज में निकल गया तो वो बाहर निकल गया और जो रेस्ट बच गया वो कितना बच गया 80 अब उस 80% का क्या क्या होगा उस 80 में से लिवर तब तक क्या करता है लिवर के पास आया है अब तो, लिवर भी कुछ करेगा, तो लिवर इसको metabolize कर देता है तोड़ देता है थोड़ा सा अब जो तोड़ने के बाद अब इसके बाद होने क्या वाला है एक्चुअली जो ड्रग हमने दिया था वो कितना था जो एक्चुअल ट्रक हमने दिया था वो था हंड्रेड मॉलिक्यूल्स अब जो हमारी बॉडी के अंदर जब वो ब्लड के अंदर जा रहा होगा लिवर के बाद वो ब्लड में जाएगा अब वो यहाँ पर ब्लड में जाएगा तो कितना पहुँचेगा 50 परसेंट कैसे 50 परसेंट हमने 100 दिया था उसमें से 20 फीसिस में आउट हो गया 30 लिवर ने मेटाबोलाइज कर लिया तो कितना परसेंट बचा 50 परसेंट बच गया अब जो 50 परसेंट है वो एक्चुअल ड्रग है जो हमारी बॉडी में पहुंचा मतलब तुमने दिया 100 परसेंट पहुँचा पचास परसेंट इसका मतलब कितना पहुंचा हाफ या फिफ्टी परसेंट या जीरो पॉइंट फाइव परसेंट अगर वन में से लोगे तुम ठीक है तो ऐसे ही कोई भी जो ड्रग होता है जो हम जितना देते हैं वो उसमें से कितना हमारी बॉडी के लिए अवेलेबल है एक्शन करने के लिए उस चीज को हम बोल देते हैं बायो अवेलेबिलिटी जैसे आउट ऑफ हंड्रेड ओनली फिफ्टी मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल फॉर द एक्शन सो इट इज कॉल्ड एज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग राइट आई थिंक सो कि आई मेड इट क्लियर अब इसके बाद भी एक और चीज़ ऐसे समझो कि जो बायो अवेलेबिलिटी है ये इंपॉर्टेंट क्यों है एक ड्रग के लिए क्योंकि वो हमारे को डोज़ डिसाइड करने देती है अब वो डोज़ कैसे डिसाइड करने दे रही है लाइक like कि तुमने हंड्रेड दिया और तुम्हें पता लग गया कि इसकी बायो इसकी बायो अवेलेबिलिटी तो हाफ है अगर तुम्हें तुम तुम वो कर सकते हो एनालाइज़ कर सकते हो कि कितना हम ड्रग देना चाहिए ताकि हमें वो हमारा वाला एक्शन आ सके तो अगर बायो अवेलेबिलिटी किसी ड्रग की ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका कम डोज़ में काम चल जाएगा राइट अब ऐसे भी समझो कि जो बायो अवेलेबिलिटी है वो अगर तुम आईवी देते हो एक ड्रग को मतलब तुम इंजेक्शन लगाते हो और तुम उसको आईवी देते हो इंट्रावीनस रूट से देते हो तो हंड्रेड परसेंट है ना क्योंकि वो वो कहीं आई नहीं ना वो स्टमक में आएगी ना वो लिवर में आएगी वो डायरेक्ट ब्लड में जाएगी तो तुमने 100 परसेंट दिया और 100 परसेंट वो ब्लड के अंदर आ गई तो उसके लिए हम बोल देते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी हंड्रेड परसेंट है तो बायो अवेलेबिलिटी कुछ चीज़ों पे डिपेंड कर रही है कि एक तो वो हमें डिसाइड करने दे रही है ड्रग की डोज़ क्या होगी और साथ में हम इस चीज़ पर डिपेंड कर रही है कि एबजॉपन कितना हो रहा है ड्रग का कि लाइक अस्सी इस केस में एब्जॉर्ब हो गया था और बीस परसेंट एब्जॉर्ब नहीं हुआ था तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पता होनी चाहिए अब जैसे बायो अवेलेबिलिटी के बारे में अब बायो अवेलेबिलिटी पोअर बायो अवेलेबिलिटी ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम ड्रग्स एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन एंड मॉर्फिन सो दे आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू अदर रूट्स अब इसको ऐसे समझो जब हम नाइट्रोग जब हम आगे पढ़ेंगे सबलिंगुअल रूट उसके अंदर मैं बताऊँगी कि जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है हम उसको सब लेते हैं क्यों सब सब लेते हैं क्योंकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी तो पुअर है ना अब एक ड्रग को मैं बोल रही हूँ उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है अब एब्जॉर्प्शन उसका बहुत अच्छा है मतलब तूने 100 परसेंट दिया और वो 100 परसेंट एब्जॉर्ब हो गया 100 परसेंट एब्जॉर्ब इन देंस कि उसको अब 100 परसेंट या 90 परसेंट लिवर ने ले लिया अब वो लीवर ने ले लिया वो उसको वहीं पर मेटाबलाइज़ करता रहेगा और फिर हमारे पास ले दे के कुछ बचेगा नहीं एंड में तो हमको वो चीज़ नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन को फटाफट से एक्शन के लिए सबलिंगुअल रूट से दे देते हैं मतलब टंग के नीचे रखवा देते हैं ताकि पेशेंट वो उसको वहीं से ले ले अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गई कि जो हमने ये बोला कि जो एक ड्रग होती गई कि जब जो एक ड्रग है वो अगर लिवर के अंदर जा रहा है यहाँ पर अगर वो लिवर के अंदर जा रहा है और वहाँ पर कुछ मेटाबोलाइज हो रहा है तो उस चीज़ को बोल देते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट ये हम आगे भी डेफिनेशन मैंने डाली है एक पीपीटी की स्लाइड में उसको पढ़ेंगे बट अभी के लिए इतना समझो कि यहाँ पर मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया ठीक है अब इसके अलावा मैं क्या बता रही थी कि तुमको जो बायो एवेलेबिलिटी है वो हमने अच्छे से समझ लिया अब उसके अलावा हम चलते हैं अगले स्टेप पे अगला जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूशन इफ अ ड्रग डज नॉट रीच एट द साइट ऑफ एक्शन और डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर देन इट हैज टू बी गिवन बाई सच अ रूट दैट इट रीचेज़ द साइट ऑफ एक्शन अब ये भी डिपेंड करता है कि कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ड्रग्स मतलब उसका एक्शन वहाँ पर है वहाँ पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचे या फिर ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से वो रुक जाएगा ठीक है तो अब ये अलग अलग क्लासेज में हम डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे फिलहाल के लिए इतना समझो ठीक है अब इसके बाद हम चलते हैं कि फिज़िकल फैक्टर्स कौन से होते हैं फिजिकल फैक्टर्स मतलब कंडीशन क्या है पेशेंट ट की कि उसको कोई और साथ में डिजीज़ तो नहीं है वो वैसे नॉर्मल है उसकी बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं जनरल रेस्पिरेटरी साइंस या रेस्पिरेटरी सिस्टम्स नॉर्मल हैं हार्ट रेट नॉर्मल है बीपी नॉर्मल है जो बेसिक वाइटल्स हम चेक करते हैं ना एक पेशेंट के तो अगर उस पेशेंट के वाइटल्स नॉर्मल हैं तो हम और चीज़ों को कंसिडर करेंगे ड्रग देते टाइम अगर उसके वाइटल्स में दिक्कत है तो कुछ ड्रग्स कुछ जगह पर काम करेंगे और कुछ नहीं भी करेंगे अच्छा पेशेंट की कन्वीनियंस भी देखते हैं हम अब सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट क्या होता है एक पेशेंट के लिए कि तुम उसे एक टेबलेट दे दो वो ओरली ले लेगा ले घर जा के आराम से खा लेगा अब कोई भी नहीं चाहता होता कि तुम उसे हर रोज़ बुलाओ और उसको कहो कि तुम्हें आज फिर इंजेक्शन लगेगा राइट अब इसके अलावा चलते हैं डिजीज़ फैक्टर्स पर डिज़ीज़ फैक्टर्स कैसे हो गए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हुई है अब मान लो मैं ये कहती हूँ कि मुझे सिर्फ पेट दर्द हो रहा है या माइल्ड फीवर है तो इसका मतलब मैं घर जाके रेस्ट कर सकती हूँ मुझे हॉस्पिटलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है अगर डॉक्टर को लगेगा कि कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं तो टेस्ट हो सकते हैं अदरवाइज यू कैन हैव ट्रीटमेंट एट योर होम जबकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसके अंदर हमें वैसा वाला ड्रग देना पड़ेगा जो फास्टेस्ट एक्शन हो जो आई रूट के थ्रू जा सके ताकि हमारी वो इमरजेंसी कंट्रोल हो सके जैसे कि कभी कभी पेशेंट्स क्या करते हैं कुछ ड्रग की पॉइजनिंग करके आ जाते हैं उस समय हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से रूट से ड्रग देना है और एक ड्रग का लोकल एक्शन कहाँ पर होता है जैसे एग्जाम्पल ये ले लो कि कोई भी जो ड्रग है वो अलग अलग अमाउंट्स में अलग अलग एरियाज में डिफरेंट इफ़ेक्ट शो कर सकता है ऐसा कहीं पे भी फिक्स्ड नहीं है कि ये वाला ड्रग है तो सिर्फ इसका यही काम होगा बहुत सारे ड्रग्स देखोगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट डोजेज़ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्शन शो करेंगे क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्शन कर सकते हैं तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कितना डोज देना होता है क्या उसका लोकल

मुंह के रास्ते से ओरली लिया और जैसे ही वो गट में से पहुंचा फिर वो हिपेटिक मेटाबॉलिज्म के लिए जब ड्रग जाएगा तो उस चीज़ के इफ़ेक्ट को हमने बोल दिया है कि वहाँ पर उसका क्या मेटाबॉलिज्म होगा उसको बोल दिया हमने फर्स्ट पास इफेक्ट द ग्रेटर द फर्स्ट पास इफेक्ट द लोअर द बायो एवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग अच्छा ऐसे समझ लो लोअर द बायो अवेलेबिलिटी क्यों बोल रहा है ये हम फिर से यही वाला डायग्राम बना लेते हैं ठीक है अब यहाँ पर हमने ये बोला कि ये लिवर है हमारा और यहाँ पर ये ड्रग आएगा और यहाँ पर चला जाएगा अगर मैंने यहाँ एग्जांपल लिया था हंड्रेड का उसमें से हमने बोला था कि ट्वेंटी तो एक्सक्रीट हो गया फीसिस के अंदर और उसमें से जो एट्टी था वो लीवर के अंदर गया और लीवर में से उसमें से थर्टी लीवर ने मेटाबोलाइज कर लिया अगर मान लो ये थर्टी की जगह सेवेंटी मेटाबोलाइज कर लेता है ये तो कितना भी मेटाबोलाइज कर सकता है ना एक ड्रग की प्रॉपर्टी है कि वो कितना मेटाबोलाइज हो सकता है तो अगर मान लो कोई एक ऐसा ड्रग है जो बहुत ज़्यादा मेटाबोलाइज हो गया तो हमारे पास तो सिर्फ दस परसेंट बचा तो दस परसेंट बचा तो क्या ही वो काम करेगा मतलब तुमने एक ड्रग सौ परसेंट दिया अब वो जब तक ब्लड में पहुँचा तो दस ही परसेंट तो अगर दस वो ड्रग पहुँच रहा है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी तो बहुत कम हो गई तो उसका जो इफेक्ट होगा वो भी बहुत कम हो जाएगा बॉडी पे इसका मतलब अब हमें उसकी ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी अगर हमें एक डिज़ायर्ड एक्शन चाहिए अब चलते हैं आगे जो मेन टॉपिक है आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट ऑफ़ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभी हमने फैक्टर समझ लिए डेफिनेशन समझ ली सारी चीज़ें समझ ली अब चलते हैं कि कौन कौन से तरीक़ों से दे सकते हैं एक होता है सिस्टमिक रूट एक होता है लोकल रूट लोकल मतलब उसी डिफाइंड एरिया पे उसी डिफाइंड ऑर्गन पे या फिर वहीं पर ही काम करना बाहर बाहर ही काम करना या उसी जगह पे काम करना सिस्टमिक होता है मतलब ब्लड के थ्रू काम करना मतलब पूरे रूट में जाना और कहीं कहीं एक्शन देना पूरी बॉडी के अंदर अब जैसे समझो इस चीज को कि जो सिस्टमिक होता है वो आगे दो तरीके से डिवाइड होता है एक होता है एंट्रल और एक होता है पार एंट्रल एंट्रल रूट कौन सा होता है जो इंटेस्टीन के थ्रू होता है ठीक है तो इंटेस्टीन के थ्रू दो ही रास्ते हो सकते हैं कैसे इंटस्टीन में पहुंचने के एक तो तुम तो मुँह से कोई भी चीज़ दो ओरल हो जाएगा वो रूट एक तुम तो रेक्टल रूट के थ्रू कुछ भी दो तो दोनों का जो कनेक्शन है वो इंटस्टीन में बनेगा तो इसलिए दोनों का जो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन का रूट है वो हम बोल देते हैं एंट्रल रूट हो गया ऐसे ही जो पार रूट है पार मतलब अवे फ्रॉम इंटस्टीन मतलब इसका जो एब्जॉर्बशन है वो इंटस्टीन में नहीं होता है या इसका काम जो है इंटस्टीन के बिना भी हो जाता है तो विच इज़ नॉट थ्रू द इंटस्टीन विच इज़ कॉल्ड एज पार एंट्रल एंट्रल का मतलब इंटस्टीन होता है ठीक है अब इसके अंदर ऐसे समझो कि जो पार एंट्रल है वो आगे दो तरीक़ों से डिवाइड होता है कौन से दो तरीके होते हैं एक इंजेक्शन्स होते हैं एक नॉन इंजेक्टेबल फॉर्म होता है जो इंजेक्शन्स होते हैं वो तुम किस फॉर्म में ले सकते हो या तो वो इंट्रावीनस हो सकती है तुम वेन के अंदर लगा सकते हो मस्कुलर हो सकती हैं जैसे कि डेल्टॉयड मसल हो गई हमारी है ना ऐसे ही सबक्यूटेनियस इंजेक्शनस होते हैं राइट तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ पे डिफ़रेंट डिफरेंट इंजेक्शन्स लगते हैं तो इसलिए उनको वैसे वैसे नाम दे दिए गए ऐसे ही कुछ नॉन इंजेक्टेबल्स पारेंट्रल रूट होते हैं नॉन इंजेक्टेबल मतलब जिनका एक्शन तो डायरेक्ट होगा जिसमें इंटस्टिन इन्वॉल्व नहीं होगी बट वो उसमें इंजेक्शन भी नहीं लगाना पड़ेगा जैसे सबलिंगुअल जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन की तो उसके अंदर क्या होता है कि तुम जीप के नीचे गोली रखते हो और वो वहाँ से ही एब्जॉर्ब हो जाती है डायरेक्टली वो ब्लड के अंदर पहुँच जाती है जिससे फास्टर एक्शन हो जाता है ऐसे ही ट्रांसडर्मल ट्रांसड्योमल का मतलब होता है पैच लगाना और वो पैच क्या होता है स्किन के ऊपर ट्रांसडर्मल मतलब स्किन के ऊपर एक पैच लगा देना और ड्रग धीरे धीरे वहाँ से एब्जॉर्ब होता रहेगा नेजल रूट होता है मतलब इंट्रा नेजल तुमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नेजल के थ्रू कुछ कुछ ड्रग्स लेते होंगे ऐसे ही होता है इनहलेशनल रूट तो इनहलेशनल रूट्स बहुत बार देखते हो तुम अस्थमा वाले पेशेंट्स को वो पफ्स लेते हैं है ना तो ये सारी जो चीज़ें हो गई ये रूट्स हो गए जो पार एंट्रल के अंदर आगे अब इसके अपार्ट भी एक और कैटेगरी बचती है जिसके थ्रू भी हम दे सकते हैं ड्रग दैट इज द लोकल एप्लीकेशन अब लोकल एप्लीकेशन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है टॉपिकल टॉपिकल का क्या मतलब होता है कि तुम सिर्फ बाहर लगा रहे हो या तो तुम म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर लगा दोगे ड्रग को या फिर तुम आँख के अंदर दे रहे हो तो भी वो टॉपिकल हो गया जिसको हम ऑक्यूलर बोल देते हैं या तुम उसको क्यूटेनियस लगा रहे हो स्किन के नीचे हो गया है ना तो या स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो ये जो सारी चीज़ें हो गई ये टॉपिकल रूट आ गई अब इसके अलावा होता है इंटराथिकल इंट्राथिकल का क्या मतलब होता है जब हम स्पाइन uh, में देंगे किसी भी ड्रग को जब हम लंबर पंचर करते हैं जैसे तुमने बहुत बार एनेस्स्थीजिया में देखा होगा या आगे देखोगे जो भी एक एनेस्थेटिक होता है तो वो क्या करता है एनेस्थीजिया देता है पेशेंट को उस एरिया को बेहोश करने के लिए या सुन करने के लिए राइट तो वो जो एरिया पर्टिकुलर एरिया पे काम कर रहा है लोकल एनेस्थीजिया तो वहाँ पर कौन सा रूट आता है इंट्राथिकल थीकल रूट आता है ऐसे ही इंट्रा आर्टिकुलर रूट आता है आर्टिकुलर क्या रूट होगा जैसे ऐसे समझो आर्टिकुलर रूट को जैसे घुटनों में बहुत लोगों को दर्द होता है तो जो घुटनों के अंदर दर्द हो रहा है या कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना ग्रीस ख़त्म हो गई तो वहाँ पर जो ड्रग दिया जाता है वो इंट्रा आर्टिकुलर होता है ठीक है ऐसे ही इंट्रा आर्टीरियल होता है इंट्रा आर्टीरियल का मतलब आर्टरी के अंदर देना ड्रग को तो ये बहुत सारे मेथड्स ये तो ब्रीफ में हो गया ना थोड़ा सा आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे और समझते हैं धीरे धीरे कि क्या सारे मेथड्स हैं राइट तो चलो सबसे पहले शुरू कर देते हैं सिस्टमिक रूट से अब सिस्टमिक रूट कौन सा होता है सिस्टमिक रूट में हमने सबसे पहले लिया ओरल रूट ओरल रूट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे कॉमन रूट है हम सबसे ज़्यादा दवाइयाँ देते हैं लोगों को क्या कहते हैं ओरल किस किस फॉर्म में हो सकते हैं हम उसको टेबलेट्स दे सकते हैं केपसूल्स दे सकते हैं ना ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तो ये सारे जो रूट्स हो गए ये बहुत कॉमन होते हैं और इनका बेनिफिट क्या होता है कि ये चीपेस्ट हैं सबसे कन्वीनियंट हैं मतलब पेशेंट को सस्ता भी पड़ता है ज़्यादा इजीली ले भी सकता है सेफ भी होते हैं बहुत ऐसे नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं नोज़िया वॉमिटिंग एसिडिटी ठीक है गैस्ट्रिक अपसेट जिसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं काउंटर ड्रग्स दे के राइट और जो ओरल रूट है उसका ड्रॉबैक क्या होता है ड्रॉबैक ये है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा अभी हमने समझा कि अगर हम मुँह के रास्ते से देंगे तो आधा ड्रग तो एब्जॉर्ब हो जाता है तो ड्रॉबैक हो गया ना हमारे लिए कि हमने इतना ज़्यादा क्वान्टिटी में दिया और इतना कम एक्शन में आया राइट तो अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं अच्छा जो एग्जाम्पल्स हैं वो तो बाकी सारे तुम्हें पता ही है कि ओरल कौन कौन से दे सकते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है जो तुमसे कभी कभी वायवा में पूछ सकते हैं या इस पर क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें एम सी क्यू का वो ये होता है कि ऐसे कौन से ड्रग हैं जो हम ओरली नहीं दे सकते हैं तो ओरली कौन से ड्रग नहीं दिए जाते हैं वो है ऑक्ट्रियोटाइड ऑक्ट्रियोटाइड क्या है एक पेप्टाइड होता है ऐसे ही एस्पेरिजिनेस वो क्या है एक, एक एंजाइम है तो ये दोनों क्या है ये प्रोटीन्स होते हैं अभी ये प्रोटीन्स का क्या काम है इनके पास बहुत ज़्यादा हाई मोलिकुलर वेट है तो हाई मोलिकुलर वेट का क्या मतलब कि इतना जो ज़्यादा मोलिकुलर वेट है वो हम मुंह के रास्ते से नहीं देते हैं उसको हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं पारेंट्रल रूट के थ्रू कि सब क्यूटेनियस दे देंगे आई दे देंगे ऐसी चीज़ें करेंगे उसके साथ ठीक है तो ये एक ड्रॉबैक हो गया इसका अब चलते हैं हम अगला मेथड अगला मैथड हमने क्या पढ़ा था रेक्टल रूट अब रेक्टल रूट के अंदर क्या होता है इसके बेनिफिट समझ लेते हैं सबसे से पहले अगर तुम रेक्टल रूट के थ्रू कोई भी ड्रग देते हो तो उसके अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म 50% परसेंट कम होगा कंपैरेटिवली टू तो ओरल रूट तो हमारे लिए बेनिफिट हो गया ना मतलब ज्यादा एब्जॉर्बशन हो रही है ड्रग की और हम उसको कम ड्रग देंगे तो ये सारी चीजें हमारे बेनिफिट में हो गई दूसरी चीज और क्या बेनिफिट होगा कि अनपलेजेंड ड्रग्स कैन बी गिविन थ्रू दिस बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं ना जिनका कड़वा टेस्ट होता है तो वो जो सारी दवाइयाँ हैं वो हम रेक्टल रूट के थ्रू दे सकते हैं या फिर बच्चों के अंदर स्पेशली राइट right? अब जो बच्चे होते हैं उनको कभी भी नहीं मतलब उनको देने में हमें दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा या तो तुम उनको मोस्टली सिरप्स देते हो orally अगर तुमको देना होता है अदरवाइज तुम क्या करते हो कि रेक्टल रूट के थ्रू कुछ कुछ दवाइयाँ दे देते हो ताकि वो चीज़ें जल्दी से इफ़ेक्ट में आ जाएँ राइट अब इसका ड्रॉबैक क्या होता है वेरी वेरिएबल एब्जॉर्प्शन है कि तुम्हें एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन नहीं पता कि इस रूट के थ्रू कितनी एब्जॉर्प्शन होगी और कितनी नहीं होगी एग्जाम्पल जैसे रेक्टल डाइजिपैम इन केस ऑफ फिब्राइल सीजर्स जो बच्चे होते हैं जब उनको दौरा आता है पाँच साल वाले बच्चों को तो उन बच्चों के अंदर हम क्या करते हैं फटाफट से उस सीजर को रोकने के लिए रेक्टल रूट के थ्रू डाइजिपैम दे देते हैं ठीक है अब जो आईवी रूट होता है हमने अभी पढ़ा था कि उसके पास 100% परसेंट बायो अवेलेबिलिटी है क्यों क्योंकि वो 100% परसेंट ब्लड के थ्रू ही जा रहा है मतलब वो कॉन्टैक्ट में ही नहीं आया ना वो स्टमक के कॉन्टैक्ट में आया ना उसने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करा वो डायरेक्टली चला गया तो उसी वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है सबसे ज़्यादा एक्शन कर सकता है और जल्दी एक्शन कर सकता है तो आई रूट के अंदर क्या होगा इट कैन बी यूज इन एमरजेंसी सिचुएशन उसके अलावा ये फास्टेस्ट इफ़ेक्ट देता है हमको तो जितनी जल्दी इफेक्ट आएगा वो क्यों आएगा क्योंकि इसके पास बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ड्रग्स विद द लार्ज मॉलिकुलर वेट कैन बी गिवन तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हम वहाँ से ड्रग नहीं दे पा रहे थे ओरल रूट के थ्रू अब इस रूट के थ्रू हम दे पा रहे हैं अब इसका ड्रॉबैक क्या होता है इसका ड्रॉबैक ये है कि कभी कभी क्वांटिटी या अमाउंट हमें पता होना चाहिए अगर तुमने ज़्यादा दे दिया और तुमने इंजेक्शन दे दिया कई कई बार वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कॉज कर देता है या फिर वो वहाँ पर टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस पेशेंट्स में कौन सा रूट दे सकते हैं और देना है और नहीं देना है ठीक है तो ये एक इसका ड्रॉबैक हो गया दूसरा एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं क्या हो सकता है हाइपर इमरजेंसी है जैसे तो उसके अंदर हम निकार्डपीन देते हैं वो किस रूट से देते हैं हम आईवी रूट से देते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस हो गया जैसे जो बच्चों में हमने सीजर बोला था ऐसे ही स्टेटस एपिलेप्टिकस जब लंबा एपिसोड हो जाता है एपिलेप्सी का हम उसके अंदर आईवी रूट के थ्रू लो दे सकते हैं ठीक है तो ये सारे मेथड्स हो गए जिससे हम कुछ कंडीशन या कुछ डिजीजेस को बचा सकते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट रूट पे चलते हैं इंटर रूट इंटर जैसे हमने बात करी थी कि डेल्टॉइड मसल के थ्रू हम कोई इंजेक्शन दे देते हैं अब इसके अंदर ये क्या है कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है कि तुम खुद से एडमिनिस्टर कर सकते हो ये वाला इंजेक्शन ठीक है अब ड्रग्स इन द ऑयली मीडियम या इरिटेंट्स यानी Drug बन जाता है, या तो तुम दे सकते हो ड्रग्स को या yeah, बट इसके अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत यह होगी कि उस जगह पर जिस जगह पर ड्रग इंजेक्ट किया जा रहा होगा वहां पर पेन होगी तो पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन कैन हैपन बिकॉज ऑफ़ द इंट्रामस्कुलर रूट तो जैसे एग्जाम्पल क्या हो गए कभी कभी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दे देते हैं या जब हम एड्रन देते हैं उसका इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं ठीक है अब जो अगला रूट है वो है सब क्यूटेनियस रूट अब सब क्यूटेनियस रूट का फायदा और सब क्यूटेनियस रूट का नुकसान समझ लेते हैं सब क्यूटेनियस रूट के थ्रू भी हम इंजेक्शन खुद दे सकते हैं इसके अंदर भी वही होगा कि एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगी लॉन्गर एक्टिंग हो जाएगा ये बट यहाँ पर इरिटेंट्स कैन नॉट बी गिवन क्योंकि वो वहाँ पर पेन और नेक्रोसिस कर सकते हैं जिस साइड पे तुम इंजेक्शन लगा रहे हो जैसे एग्जांपल इंसुलिन हो गया ऑक्ट्रियोटाइड हो गया तो बहुत बार तुमने ऐसा देखा होगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं जब उनका डायबिटीज़ नॉर्मल ओरल टेबलेट से कंट्रोल में नहीं आता तो हम बहुत सारे डॉक्टर्स उनको स्विच कर देते हैं इंसुलिनस पे तो वो इंसुलिनस इंजेक्शन होते हैं बट ये थोड़ी ना कि वो पेशेंट डेली आता रहता है वो एक बार हमसे सीख जाता है उसके बाद वो खुद करता रहता है तो अगर वो खुद एडमिनिस्टर कर रहा है तो वो सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू कर रहा है जैसे कि वो स्टमक के अंदर लगा लेते हैं उसकी स्किन को होल्ड करके पिंच करके वहाँ उस रूट के थ्रू इंजेक्शन दे देते हैं तो दैट इज कॉल्ड कि सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू लगा लेना ठीक है अब अगला रूट है सबलिंगुअल रूट तो हमने क्या बात की थी सबलिंगुअल रूट के अंदर कि हम उसको जीप के नीचे टेबलेट को रखेंगे उससे क्या होगा रैपिड एब्जॉर्ब्शन होगा ठीक है और उसका रैपिड इफेक्ट आएगा इट इज नॉट डिफेक्ट इट इज इफेक्ट उसके बाद क्या होगा कि देर इज़ नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्योंकि हम कहीं मुंह के रास्ते से गए ही नहीं ना स्टमक में ना लिवर में तो कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि तो तुमने सिर्फ जीभ के नीचे तो कोलीर को रखना है तो खुद ही ले सकता है पेशेंट और पेशेंट के लिए सबसे ईजी होता है और एक इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होता है कि इट कैन टर्मिनेट द एक्शन आफ्टर द एडिकुएट इफेक्ट अब इस चीज़ को ऐसे समझो कि जब तुमने कभी कभी देखा होगा कि कोई पेशेंट तुम्हारे पास ये तुम आगे देखोगे एंजाइना का आता है किसी पेशेंट को बहुत तेज चेस्ट पेन हुआ तो वो एक्यूट केस ऑफ एंजाइना हो जाता है अब उस एक्यूट केस ऑफ एंजाइना के अंदर हमें क्या चाहिए कि फटाफट से हम उसका एक्शन लाएँ क्योंकि तुम तो अगर उसको ओरली दोगे फिर वो थोड़ी देर तक तुम्हारे स्टमक में जाएगा फिर वो जा दे सकते हो देने में कोई मना नहीं होता मैं ये नहीं कह रही कि नाइट्रोग्लिसरीन की जो टेबलेट है वो नहीं आती या तुम तो उसको ओरली नहीं दे सकते बट वो एक्शन को डिले करेगा मान लो हमें उस पेशेंट का चेस्ट पेन रिलीव करना है पाँच मिनट के अंदर क्योंकि एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना है ये क्या करेगा अगर तुम इसको ओरली देते हो तुम्हारे पास आधा घंटा लग जाएगा तो उतना तो टाइम मिलता ही नहीं ना इमरजेंसी केसेस के अंदर तो उस केस में बेस्ट होता है कि सब दे दो अब तुमने सब दे दिया तो पेशेंट को सिर्फ इतना बोलना है जीप के नीचे रखना है और जीप के नीचे रखने के अंदर अंदर दो से पाँच मिनट के अंदर पेशेंट का जो चेस्ट पेन है वो रिलीव हो जाता है तो हम उस समय पेशेंट को क्या बोलते हैं कि जितना तुमने तुमसे तुम्हारा एब्जॉर्ब हो गया और जब तक तुम्हारा चेस्ट पेन ठीक हो गया बस उतना लेना है उसके बाद उसको स्पिट आउट कर देना है बाहर फेंक देना है जितनी बची हुई गोली है क्योंकि हमें अब एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट नहीं चाहिए हमारा चेस्ट पेन ठीक हो गया है उतना ही चाहिए हमें तो ये एक और अच्छा बेनिफिट है सब लिंगुअल रूट का कि तुम टर्मिनेट कर सकते हो एक्शन तो मान लो पेशेंट मान लो एंजाइना का है तो उसे पता है कि उसे ये कभी भी अटैक हो सकता है तो वो अपने पास अपने बैग के अंदर हमेशा नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट्स अपने पास रख सकता है ताकि जब भी इमरजेंसी हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हॉस्पिटल पहुँचे ही पहुँचे तो पर उसके पास तब तक उस चेस्ट पेन को रोकने के लिए एक टेबलेट होनी चाहिए अब ये और चीज़ तुम पूछोगे कि जो सब लिंगुअल है वो कैसे हो जाता होगा हमने तो जीप के नीचे रखा है तो जीप के नीचे जब तुम रखते हो किसके कंटैक्ट में आ जाता है जब तुम ड्रग देते हो वो कंटैक्ट में आ जाता है लिंगुअल वेन के तो वहाँ पर एक लिंगुअल वेन होती है जो टंग की वेन होती है अब उसके कंटैक्ट में आ गया तो डायरेक्ट वो ब्लड के कंटैक्ट के थ्रू मिल गया तो इसलिए वो जल्दी एब्जॉर्बन हो जाता है ठीक है अब इसका ये तो हो गया है बेनिफिट्स अब इसका ड्रॉबैक देख लो अब ड्रॉबैक क्या होता है कि एक तो तुम बार बार इस रूट से दोगे तो जो दांतों का कलर है वो ख़राब हो जाएगा डिसकलरेशन हो जाती है या दांत में कीड़े लग सकते हैं तो टूथ डिके हो सकता है इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियक साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है ठीक है अब एग्जाम्पल्स क्या हो गए इसके एग्जाम्पल्स हो गए नाइट्रोग्लिसरीन जिसका अभी तक हम बात कर रहे थे ऐसे ही आइसोसोर्बाइट, डाइनाइट्रेट ये एक और एग्जाम्पल हो गया ठीक है अभी के लिए एग्जाम्पल्स याद रखो बस डेली थोड़े थोड़े ड्रग्स ही पढ़ो ताकि तुम भूलो मत ये नहीं कि एक ही दिन में सारी क्लासिफिकेशंस कर लेंगे सारे ड्रग्स कर लेंगे तो वो बहुत वॉलीटाइल हो जाएगा सबका सब भूल जाओगे तुम लोग तो सिर्फ उतना उतना पढ़ो जितना जितना याद रह सकता है ठीक है अब चलते हैं ट्रांसडर्मल रूट पे ट्रांसडर्मल रूट क्या होता है ट्रांसडर्मल रूट का मतलब होता है पैच के थ्रू स्किन के ऊपर पैच लगा देंगे अब और उसके थ्रू क्या होगा लॉन्गर एक्टिंग हो जाएगा कि एक पेशेंट है वो ये बोल रहा है कि मैं डेली डेली तो आ नहीं सकता या मेरे को लंबा ट्रीटमेंट चाहिए या फिर लॉन्गर एक्शन चाहिए तो उसके लिए हमें ये देना पड़ता है जैसे कि कुछ ड्रग्स जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं कि अब जैसे एंजाइना के पेशेंट्स हैं इनके अंदर भी हम दे देते हैं कि लंबे टाइम तक जब धीरे धीरे करके आता रहेगा तो नाइट्रोग्लिसरीन काम आ सकता है या फिर हम कुछ पेशेंट्स ऐसे हो गए जो निकोटीन मतलब जो जो तबैकू चूअर्स होते हैं तो उनकी वो आदत छुड़वाने के लिए उनको कम डोजेस पे लाने के लिए स्मोकिंग खत्म कराने के लिए हम उनको पैचेस लगा देते हैं ट्रांसडर्मल तो ठीक है तो उसकी वजह से क्या होता है लॉन्गर एक्टिंग हो जाता है स्लो एब्जॉर्बन हो जाएगी और फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म नहीं होगा ड्रॉप बैक क्या है तो इस रूट के थ्रू सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स दिए जा सकते हैं अगला मेथड है हमारा इंट्राडर्मल इंट्राडर्मल के अंदर हमें क्या समझना है बेनिफिट क्या है एक तो ये स्लोएस्ट एब्जॉर्प्शन बाय द पारेंट्रल रूट है तो तुमने स्किन के अंदर इंजेक्शन मारा उसकी वजह से क्या होगा जो स्लोएस्ट एब्जॉर्प्शन होगी किस किस चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं सेंसिटिविटी टेस्टिंग के अंदर जैसे ट्यूबोकोलोसिस के लिए ट्यूबोकुल टेस्टिंग होती है ट्यूबिकोलिन टेस्ट होता है उसके अंदर जब तुम आगे जाओगे अपना सेकेंड ईयर पोस्टिंग्स में तो तुम्हें पता लगेगा कि माइक्रो की लैब्स के अंदर भी तुम समझोगे या फिर तुम तो मेडिसिन के अंदर टीबी के पेशेंट्स देखोगे वहां पर ये टेस्ट होता है ठीक है तो वो कौन से रूट के थ्रू हो रहा होता है वो इंट्राडर्मल रूट के थ्रू हो रहा होता है ऐसे ही इंट्रानेजल रूट हो गया इंट्रानेजल रूट के अंदर क्या बेनिफिट रहेगा हमें कि जो रैपिड एब्जॉर्बन एंड इफेक्ट थ्रू द सीएनएस तो बार बार ये दो बार गलत हो गया कि ये डिफेक्ट नहीं है इफ़ेक्ट है तो अब ये जो इंट्रा नेजल रूट के अंदर हमें क्या बेनिफिट रहता है कि फटाफट से एब्जॉर्प्शन हो जाएगी क्योंकि नाक के थ्रू सीधा सीएनएस के अंदर ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन हो जाती है तो पेशेंट ख़ुद भी सेल्फ एडमिनिस्टर भी कर सकता है हम बहुत बार नेजल ड्रॉप्स देते हैं पेशेंट्स को तो वो ले लेते हैं ख़ुद से है ना इसकी केस में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा डेस्मोप्रेसिन एंड फैंटानिल ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कौन सा रूट हो गया वो हो गया हमारा इन्लेशनल या फिर पल्मनरी रूट अब इन्हलेशनल एंड पल्नरी रूट किन पेशेंट्स के लिए काम आता है जैसे जो अस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं अब इसका सिस्टमिक इफेक्ट क्या होता है रैपिड एब्जॉर्बशन और फटाफट से इफेक्ट आ जाता है इसमें भी कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता लोकल इफेक्ट क्या होता है कि सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगी इसका एग्ज़ाम्पल क्या है कि ब्रोंकल अस्थमा के अंदर स्टेरॉयड्स जो हम पेशेंट्स को देते हैं वो कौन से मेथड से होते हैं इनहलेशनल मेथड से तुमने बहुत बार देखा होगा पेशेंट्स को कि वो पफ्स यूज़ कर रहे होते हैं तो वो कौन सा मेथड होता है इनहलेशनल मेथड होता है अब चलते हैं हम लोकल रूट पे अभी तक हमने सारा पढ़ा सिस्टमिक रूट के बारे में और उसको हमने बहुत सारी जगह से डिवाइड कर लिया था एंट्रल पार एंट्रल राइट अब हम लोकल रूट के बारे में बात करेंगे लोकल रूट का क्या मतलब होता है कि तुमने बाहर बाहर अप्लाई करा उसी उसी जगह पे उसी एरिया पे अप्लाई करा और उसी एरिया पर तुम्हें एक्शन मिलेगा ब्लड का कोई वहाँ पर एज सच रोल नहीं है ठीक है अब लोकल रूट के अंदर जैसे टॉपिकल रूट हो गया कि तुमने कोई भी ऑइंटमेंट्स बार बार अप्लाई कर दी जैसे क्यूटेनियस हो गया तो एंटीबायोटिक्स होती हैं कभी कभी हम लोकल एप्लीकेशन के लिए दे देते हैं स्टेरॉइड्स हम लोकल एप्लीकेशन के लिए दे देते हैं जो म्यूकोजा होता है कई बार वहाँ पर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है जैसे वेजाइनल कैंडिडियासिस हो जाता है अब जो कैंडिडियासिस है वहाँ पर हम फ्लुकोनाजोल दे देते हैं या लुलिकोनाजोल इनकी ऑइंटमेंट्स आती हैं इनकी ट्यूब फॉर्म्स होती हैं वो एप्लीकेशन के लिए दे देते हैं ऐसे ही ब्लैडर कैंसर होते हैं तो वहाँ पर कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स दे देते हैं ऑक्यूलर रूट कौन सा होता है ओकेला रूट होता है आँख के अंदर आँख के अंदर जैसे अनालजेसिक्स हम ड्रॉप्स डालते हैं आई ऑइंटमेंट्स इतनी बार तुमने सुना होगा आई ड्रॉप्स इतनी बार सुना होगा तो एंटीबायोटिक्स वहाँ से दे सकते हैं ग्लूकोमा के ड्रग्स होते हैं वो उस रूट के थ्रू दे सकते हैं ठीक है फिर आ गया हमारा इंट्राथिकल रूट इंट्राथिकल के अंदर हमने तब भी बात कर ली थी कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू या फिर जब हम लम्बर पंचर के थ्रू देते हैं इसके अंदर बेनिफिट ये होता है कि सिस्टम में टॉक्सिसिटी नहीं होगी जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो ऐसे वाले ड्रॉबैक्स होते हैं वो सारे नहीं होंगे बट इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो कौन कौन से हैं जैसे लोकल एनास्थीजिया हम इसके थ्रू दे सकते हैं या मिडाजोलाम इसके थ्रू दे सकते हैं राइट अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा रूट आता है इंट्रा आर्टिकुलर रूट इंट्रा आर्टिकुलर रूट के अंदर क्या होता है कॉर्टिकोस्टरॉयड्स अब कॉर्टिकोस्टेरॉयड्स हम कहाँ दे सकते हैं रोमेटोड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के अंदर ठीक है तो जो उनकी ग्रीस ख़त्म हो जाती है जो लोग कहते हैं तो हम उसके अंदर वहाँ डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं तो वो हो गया हमारा इंट्रा आर्टिकुलर Root. इसके बाद जो हमारे पास है है वो इंट्रा रूट है, मतलब डायरेक्ट आर्टरी के अंदर हम कोई भी को दे सकते हैं उससे क्या होगा डायरेक्ट देने से less first -pass metabolism होगा इफेक्ट्स कम हो जाएंगे तो ये सारे एग्जाम्पल होंगे जैसे हिपैटिक सेल्युलर कार्सिनोमा हिपैटोलुलर कार्सिनोमा के अंदर जो हम एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं वो डायरेक्ट इंट्रा आर्टीरियल रूट से दे सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए या ये सारे हमारे रूट्स हो गए अब एक बार इसकी डायग्राम्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं हम सिरप दे सकते हैं कैप्सूल्स दे सकते हैं टेबलेट्स दे सकते हैं इन्लेशनल के अंदर हमने देख लिया नेज़ल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आईवी रूट के अंदर इंजेक्शनस के थ्रू देते हैं ओरल ड्रग्स के अंदर हम ऑइंटमेंट्स दे सकते हैं या फिर हम टॉपिकल उनको ड्रॉप्स लगाने को दे सकते हैं ट्रांसडर्मल मतलब स्किन के थ्रू पैच लगाना कि वो वहीं से एब्जॉर्ब हो जाए ठीक है तो अब ये हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स इस डायग्राम के अंदर दिए हुए हैं कि नेजल अगर हम दे रहे हैं तो ड्रॉप्स होंगे या स्प्रे होगा ऐसे होगा इन्हलेशन होगा तो भी स्प्रे होगा पाउडर होगा ईयर्स के अंदर है तो फिर वो इंट्रा होगा या इंट्राकोक्लियर होगा या फिर टॉपिकल हो सकता है जबकि आँखों के अंदर है तो सस्पेंशनस हो सकती हैं ऑइंटमेंट्स हो सकती है कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत लोग लगाते हैं है ना तो ये जो सारी इमल्शन सोल्यूशनस मैथड्स हो गए ऐसे ओरल के अंदर कौन कौन से मैथड्स हो सकते हैं टेबलेट्स हो सकते हैं कैप्सूल्स हो सकते हैं छोटी टेबलेट्स होते हैं या फिर हम उसको सस्पेंशन सोल्यूशंस तुमने इतना कुछ पढ़ा है ना तो ये सारे जो फॉर्म्स हो सकते हैं तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं अलग अलग तरीके से दिए जा सकते हैं रेक्टल के अंदर हम अनिमा देते हैं पेशेंट्स को जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है टेबलेट्स हो सकती हैं पेसरीज हो सकती हैं फॉर्म हो सकता है तो डिफरेंट मेथड्स हैं डिफरेंट रूट्स को देने के लिए और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं ड्रग को पहुँचाने के लिए ठीक है तो आई होप सो दिस वॉज वेरी वेरी क्लियर टू यू एंड दिस लेक्चर वॉजेंट दैट बोरिंग तुम्हें समझ में आया अगर समझ में आया है तो कमेंट करके बता देना और अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भी पूछ लेना एंड या दिस इज़ जस्ट फॉर फन की डू यू पीपल ऑल्सो वॉन्ट दिस की नीड अ प्रधानमंत्री ऑनलाइन क्लासेस से बचाओ स्टूडेंट कल्याण योजना वैसे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होने नहीं वाला चलो ऑल द बेस्ट कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच बाय